लग रहा है मैगी ले गए पानी में। आपको खानी है ऐसी मैगी तो आना पड़ेगा धूमेश्वर। 5 स्टार का मजा नहीं मिला पीते बनाते हुए। आग का चूल्हा बढ़िया, और इसके अंदर देख सकते हो आप यार टमाटर डल गया। देसी स्टाइल देखो, लड़कों का चढ़ाने के लिए चम्मच भूल गए तो लकड़ी से चल रहा है, लेकिन आएगा मजा। आ चुके हम 3, बाकी ये आ रहे हैं, सब परमिशन लेके आ चुके हैं अपने अपने। परमिशन लेके आया कलेश के साथ आया, तारों के नीचे से आया, तारों के नीचे से हो क्या है फटाफट से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर ब्लॉग। दोस्तों बहुत दिन से कोई भी वीडियो या कोई भी ब्लॉग नहीं आया है, जैसे कि आप सबको पता है कुछ कंडीशन थी जिसमें मतलब बोलना चाहिए कि रश्मि की तबीयत खराब थी, रश्मि बोले थे मेरी वाइफ, और अभी फाइनली ठीक है वो। और आज है गुड फ्राइडे, सभी को हैप्पी गुड फ्राइडे, और छुट्टी है, हम लोग तैयार हैं आज घूमने के लिए। आज हम लोग जाने वाले हैं घूमने, जहाँ पर आज आपको वीडियो में जो देखेगा ना वो समथिंग चेंज होगा, जैसे कि मतलब कि हमेशा गर्ल्स बॉयज ऐसे पर फैमिली दिखती थी, आज फैमिली नहीं देखेगी, आज पुंगा पार्टी देखेगी, बोले तो लड़के लड़के दोस्त यार सब देखेंगे, और एक नई जगह मिलेगी देखने के लिए। तो बारी बारी से सब आते जा रहे हैं, निकलते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। इट्स सेलू मुकेश, परमिशन लेने के आने के बाद सब दोस्तों सारे आ चुके हैं हम 3, बाकी ये आ रहे हैं, सब परमिशन लेके आ चुके हैं अपने अपने। परमिशन लेके आया कलेश के साथ आया, तारों के नीचे से आया, तारों के नीचे से हो क्या है फटाफट से। दोस्तों पूरी टीम आ चुकी है हमारी, पीछे 3 आगे 2, और चल दिए हम तैयार। धूमेश्वर जा रहे हैं हम लोग दोस्तों, ग्वालियर के पास में ही है, बहुत ही प्यारी जगह है, तो ज्यादा वीडियो ना बनाते हुए सीधा पहुंच के ही मिलेंगे हम वहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसे बातें चलती रही वीडियो बनता रहा तो बहुत लंबा हो जाएगा। देख 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 क्या कर रहा हूँ, कर रहा है यार। तो चलिए दोस्तों पहले पहुंच जाते हैं, भाई मिलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग, आधी रास्ता, बहुत लंबा सफर है हमारा, बहुत लंबा सफर है, आधा रास्ता साहब तय कर लिया है हमने। ग्वालियर से हम निकल के आ चुके हैं पूरे कम से कम 20 किलोमीटर दूर, बहुत थक चुके हैं, अब चाय नाश्ता हो जाए पहले फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद चौरासी हनुमान जी के, अब हो जाए कुछ पेट पूजा हम लोगों की, हम लोगों लिए गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। दो लोग गायब हैं दो लोग शायद अंदर हैं या इधर उधर कहीं घूम रहे हैं, पहले खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा सफर है दोस्तों। भाई ट्रिप के लो के मजे देखो, क्या देखा मिर्ची, मैंने मिर्ची दिखा कहा भाई, देखो तो मैगी आ चुकी है, मिर्ची आ चुकी है, तेल तो बहुत ज्यादा, पार्टी पिकनिक करने के लिए तेल है, बहुत हमारा तेल भी आ गया है पूरी तैयारी हो गई, और उसमें एक और दूसरा वो वहाँ पे भी सामान ले रहा है, उससे हम चल्ला चल्ला के मना कर रहे हैं कि तेल मत ले, वो भी देखो वो भी लेके आ रहा है, आप देखो आ रहा है भाई जान, भाई 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 भाई, ओ माय गॉड आइटम आ रहे हैं भाई। सफर करने के बाद फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हम लोग। हम लोग आए हैं जैसे कि दोस्तों बताता हूँ धूमेश्वर धाम आज घूमने के लिए, ये ग्वालियर से करीब 70 किलोमीटर दूर है, और हम लोग गाड़ी से आए हैं सारी पूरी टीम जैसे कि आपने देखी हम लोग, लेकिन गर्मी है धूप है, लेकिन पानी को देख के
मन खुश हो चुका है और मजा आ जाएगा नहाने में। देख सकते हो अभी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये है दोस्तों धूमेश्वर, यहाँ पर जो नदी है ना दोस्तों, देख सकते हो सामने पूरा पानी, उधर से लेके आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। ये पूरा जो पानी है यहाँ पे, ये है सिंध नदी का पानी, बहुत ही सुंदर लाजवाब, जिसको देख के मन अलग ही हो रहा है। लेकिन गर्मी है तो पत्थर इस समय तप रहे हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद मज़ा आ जाएगा। पूरी टीम आगे आगे सारा सामान ले जाके ले जाते हुए दिख रही है। दोस्तों जगह हमने ढूंढ ली है अपनी, और सन बीच है, देख सकते हो पूरा मजेदार। इधर रेता है, समुद्र, जैसा कि हमने बोला था बहुत दूर घूमने आए हम लोग, आ चुके हैं। देख सकते हैं इधर रेता है, और हमारा चूल्हा भी वहां बना हुआ है कुकिंग करने के लिए, तैयारी फुल। पहले थोड़ा थोड़ा गीले हो जाए उसके बाद कुकिंग चालू करते हैं। तो दोस्तों तैयारी करते हैं नहाने की, क्योंकि गर्मी हो रही है और मजा आ गया पानी में। ये देखो इनकी चालू, ये देखो क्या आ रहा है। फिलहाल लेते हुए सबके सब दोस्तों, ये फील आता है समुद्र वाला, देख सकते हो क्या मजा आई। सिंध की रेता है जो घरों में घर बनने में यूज होती है हम लोग की पूरी, बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ पर बना हुआ है हम लोग का चूल्हा, जहाँ पर हम लोग अभी कुकिंग करने वाले हैं। कुकिंग के लिए तैयारी करके आए हम भी, हम लोग कुकिंग करेंगे आराम से। फिलहाल सारा सामान हम लोग का वहाँ रखा हुआ है, मस्ती चल रही है लोगों की यहाँ। ये और ये देखो, ये नागर टापू आलम बैठ गया, ब्लॉग में रिपोर्ट होके दे रहा है, मैं पानी में नहीं जा रहा हूँ देखो। और गजब का इधर मौसम, चलिए नहा लेता हूँ मैं भी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जिस पिकनिक के लिए आए थे, देख सकते हो सैलू प्याज काटना स्टार्ट हो गया है, मैंने काट दी आधी, अभी और कट रही है। और चूल्हा हमारा वहाँ जैसे कि मैंने दिखाया रेडी है देखो, और कढ़ाई हमारी वो मतलब भी पतीला रख चुका है, लकड़ी की व्यवस्था हमने पूरी फुल कर ली। और ये देखो पानी में आना फिर बनाना, पूरा चल रहा है। और सीन देखो दोस्तों, जगह देखो आप, जगह देख सकते हो एकदम पत्थर है, इधर पानी है, इधर रेता है, और ये इधर फोटो सेशन इन लोगों का चल रहा है जो देख सकते हो। पूरा क्या पानी बह रहा है पूरा, और इधर सब नहा रहे हैं, और इधर सारी और व्यवस्था देखो, चूल्हा जगह पे क्या बनाया है, इधर हरियाली, बड़ा मजा आ रहा है देख सकते हो। इतना मजा आ रहा है ना कि अलग ही लग रहा है। और ये जो क्या गर्ल्स फ्री पार्टी, इसलिए ज्यादा मजा आ रहा है क्या देखो क्या कह रहा है भाई, प्रियंका भाई देख लो क्या कह रहा है, वो गर्ल्स फ्री है इसलिए मजा आ रहा है। देखो तू भी क्या कह रहा है क्या भाई, चलो तू भी कह रहा है क्या गर्ल्स फ्री ट्रिक खेल गया, जाकर खान वाली ट्रिक खेल गया। दोस्तों मजा तो आ रहा है, लेकिन मजा तो आ रहा है, लेकिन घर वाले होते सब रश्मि भाभी मम्मी वगैरह तो ज्यादा मजा आता, इतना मजा नहीं आता, आ जाता आ जाता। धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंचते हुए हम लोग, बर्तन रख चुका है, आग लग चुकी है देख सकते हो आप, और जबरदस्त तूने पूरी लगाई लगा दी एकदम, मैं बहुत तेज जल जाई, पता तो एकदम जल जाई पतीला, टारवे कहा है अपने कछुम, देख लेंगे चलो। इधर मैगी, इधर सामान,
प्याज मिर्ची ये रखी हुई है कटी हुई हमारी चप्पलों के बगल से। तू इस लकड़ी के कांच को तोड़ ले इसको तराने के लिए। बड़ा वाला पेल लो, बड़ा वाला देख रहे हो। फुल फुल पार्टी इंजॉय करते हुए नजर न लगे, नजर बट्टू लगा दूंगा मैं सामने। देखो खाते पीते बनाते हुए आग का चूल्हा बढ़िया, और इसके अंदर देख सकते हो आप यार टमाटर डल गया। देसी स्टाइल देखो, लड़कों का चलाने के लिए चम्मच भूल गए तो लकड़ी से चल रहा है, लेकिन आएगा मजा बहुत। देखिए कांटे वाटे नहीं रहे हैं वहाँ पे। अरे नहीं रहे। और ये देखो मैगी मसाला डालते हुए एक बेहतरीन मैगी बनेगी, आज तक ऐसी बनी नहीं हुई घर का हूँ भाई। जिन्हें मत जाऊं भाई, एक बीच में खा लेना तीनों बड़े भैया। अरे मुको ये सामने ही आ रहे एकदम, फिर पूरा प्रॉपर चूल्हा बनाया गया है यहाँ पे। ये है प्रॉपर बेहतरीन चमचा। आराम आराम से तोड़ के डाली जाए मैगी एकदम। यस डाल दो पूरी नमक से ना, नमक नमक डाल दिया। आ गए दाल पे। नाउ वी आर ईटिंग खीरास। ये खीरास भी है। 1, 2, 3 चीज का इंतजार था, द स्पेशल डिश खीरा। खीरा जा रहा है भाई, खीरा द वेटिंग पार्टीज खीरा के लिए। अरे मैगी वैगी अभी नहीं, सिर्फ खीरा भाई। ले जा खीरा उनको दे दे यार। गाइस तो खीरा की बच गया, खीरा सीरा बन जाता अभी पानी में। नमक डाल दिया है उसमें, काले नमक के साथ खीरा तैयार है। और साइड रोड साइड भाई ब्लॉक बनना थोड़ा साइड। अरे ये कौन सी साइड है? जबरदस्त मैगी देख सकते हैं दोस्तों, घर में भी बनती थी। कर रही तो चम्मच वम्मच नहीं है तो जुगाड़ ऐसे होती है बॉयज की। हाँ चलो बस ज्यादा हो जाएगी, ले लो रोटी खा रहे। जबरदस्त मैगी वैगी उधर देखो, खीरे की तैयारी फुल नमक के साथ। गैस वैस का खाने, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। सूरज देवता चमकते रहेंगे, हमारा खाना पीना भी चलता रहेगा। जबरदस्त लग रहा है मैगी लेके पानी में। आपको खानी है ऐसी मैगी तो आना पड़ेगा दुमेश्वर। 5 स्टार का मजा नहीं मिलेगा यहाँ पर, यहाँ का उससे ज्यादा है। ये देखो इधर, ये देखो पानी में, समुद्र किनारे पानी में बैठते खाते हुए मजेदार। भूख लगी है, पानी में बड़ा बड़ा खाते जा रहे हैं। देखो ये देखो एक, ये देखो ये देखो सरक सरक के तेरी मैगी नहीं करती वहां में चपाक नहीं तो। ये हमारी बेल मछली, बेल मछली पूरे में तैरती हुई। ये देखो देखा, ला फोटो लाऊं तेरा। जैसा कि आज प्लान बनाया था कि हम लोगों ने धूमेश्वर आएंगे और आज का जो पिकनिक पार्टी रखेंगे वो बॉयस बॉयस रखेंगे, दोस्त सारी। तो हम लोग सब लोग आए और हम लोग की पिकनिक साकार हो चुकी है। हम लोगों ने जैसा सोचा था कि मस्त आराम से चूल्हा बनाएंगे, उस पर मैगी बनाएंगे और आराम से पानी में खाएंगे, आज वही हुआ। हम लोग मैगी वगैरह डबरा से ली, सारा सामान वगैरह हम लोग डबरा से लिया, प्लेट वगैरह सब ग्वालियर से लेके आए थे। और आपने पूरा वीडियो देख लिया हुआ अच्छे से, अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से जाके रिवाइंड करके देख लिया है। दोस्तों बहुत ही टेस्टी मैगी बनी थी, जैसे आपको दिख भी रही होगी बहुत प्यारी टेस्टी। और अब समय हो चुका है वापस से एक एक डुबकी और लगाते हैं, नहाते हैं और उसके बाद प्रस्थान करते हैं यहाँ से। आई होप आपको वीडियो
बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर देंगे मुझे खुशी मिलेगी। तो फिलहाल एक एक डिप्पी और लगाते हैं तो चलते हैं। तीन ग्लो ही चालू है यहाँ पर, मैंने नहा लिया है, थोड़ा बैठा हूँ और थोड़ी देर बाद फिर नहाने चलता हूँ। रेस लगाती हुए देख करो दोस्तों, सब उतरते हुए रेस लगा रहे हैं, कौन पहले पहुंचता है। ये रेस नहीं है दोस्तों, गरम टाइल्स है। गरम टाइल्स की वजह से सब लोग, लेकिन मैं तो आराम से आऊंगा, सॉक्स पहने। तो देख सकते हो पूरा नहाने धोने और सब कुछ करने के बाद वापस से गाड़ी में आ चुके हैं। हम अपने कपड़े धोए ना, और तुमने धो भीतर का भी कहा। तो अपना सब मस्ती खाने पीने के बाद चल दिए अपने वापस से घर। आज तो बड़ी मछलियां पकड़ी हैं। ठीक है, अपना तो धो ही रहा था दोस्तों। सब लोगों को सब लोग करते हैं बाय, एक बार बाय कर दो सब लोग भैया। मिलेंगे फिर सबको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।